कितने आदमियों को मैंने खड़े हुए रोते हुए देखा। आज मैं से कोई भी उनको ये नहीं कह सकता कि तुम क्यों झाकी हो, लेकिन आंसू झलकते हुए आदमियों के मैंने देखे। इनके तो आंसू झलकते ही होंगे, क्योंकि इस अंचल से और ज्यादा प्यारा क्या हो सकता, उससे जा रही हूं। और ये उनकी श्रद्धा का और फूल क्या होगा। तो देश में एक नई हवा और एक नया संकेत सतयुग के आगमन का, कि कलयुग में सतयुग आएगा, ये आपके सामने आने लगा। एक परिवार की तरह से यहां लोग रह रहे हैं, मिलजुल करके रह रहे हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त और मस्त हैं। इतना बड़ा समुदाय परिवार बन गया, ये सतयुग के आने के लक्षण शुरू हो गए। क्योंकि ये बातें पहले से नहीं बताई जाएंगी तो फिर आप उस वक्त का स्वागत नहीं कर सकोगे। तो जो वक्त का स्वागत नहीं करता, चाहे घर में हिलाई हो, दूध ही घर में रखा हो, बर्तन में रखा खराब तो फौरन फट जाएगा। हीरे को आप नहीं समझोगे, झाड़ू लगा के फेंक दोगे, सतयुग के आने का स्वागत नहीं करोगे तो फिर आपकी मानवता खत्म हो जाएगी। इसलिए जब कभी कोई युग आता है और इस युग का विसर्जन होता है तो उसकी आवाज लोगों के लगाई जाती है, सुनाई जाती है, और लोग फिर उसमें होश में आते जाते हैं, और फिर उसमें जोश आता जाता है, होश भी आता है, जोश भी आता है। और उस होश का और जोश का जो आनंद और आराम है, उसके संकेत भी लोगों को मिलते जाते हैं। तो हम लोग जो परिश्रम कर रहे हैं, वो सतयुग के आने की स्वागत तैयारियों का ये परिश्रम हो रहा। और इसी सतयुग स्वागत तैयारियों में आज शाम को, वैसे तो मैं अभी भी सुना सकता हूं, लेकिन बहुत से लोग जो रह गए वो शाम को भी शाम का संदेश सुन लेंगे, क्योंकि मुझे जरूरी संदेश आपको सुनाना आपके हित के लिए, आप उसको जरूर सुने। और बाबा जी की बात को आपने मान लिया, हिंदुस्तान के लोगों ने मान लिया, किसानों ने मान लिया, तो जो हमने मेहनत 2 वर्षों के अंदर आपको हिंदुस्तान में ढंडोरा पीट कर, पहला 3 महीने, दूसरा 6 महीने और तीसरा 10 महीने जो ढंडोरा पीट कर बिना रेडियो अखबारों के आपके कानों तक पहुंचा दिया और देवताओं को प्रसन्न कर और हिंदुस्तान में इतना अनाज आपको दिलवा दिया कि हर किसान ये कहने लगा कि बिल्कुल एकदम सतयुग आ गया। लेकिन मैंने नहीं कहा था कि सतयुग आ गया, मैंने तो ये कहा था कि मैं देवताओं को प्रसन्न करके आपका जो ये समय है वो आपको बदलना चाहता हूँ, आप लोग इस समय के बदलने में होशियार हो जाए। तो आप लोग जो होशियार हुए तो हुए, लेकिन कुछ आदमी चिठोरे करने लगे। अब हिंदुस्तान में 99% चिठोरी खत्म हो गई, दुर्लगी खत्म हो गई, अब विचार विमर्श होने लगा, अब भाव और सद्भाव आने लगे, अब लोग कुछ ये सोचने लगे कि कुछ होगा। तो पहले कुछ था, लेकिन ये है कि बात तो आपको सब याद है, क्योंकि आपके साथ कराया, आपके साथ किया। अयोध्या में सोचते थे कि महाराज जी क्या कर रहे, गर्मी के मौसम में ऐसा आपको लिटवाया कि वो आधी आई, कि आपने देखा होगा कि जब ऊपर सूरज था तो ऐसी रात्रि अंधेरी हो गई कि 2-12 बजे की रात्रि की
अंधेरी रात्रि, वो दिन में हो गई, ऐसी आंधी आई। इसी तरह से अहमदाबाद और काशी में किया, तो ये सब कुछ काम करके आपको याद कराए, दिखाए गए, और आपने उनका फल भी सामने देखा, और लोगों ने जो मजाक किया था उसका भी फल आप देख लिया। तो हमको कुछ नहीं है, आप सब प्रार्थना चारों तरफ से करो, तो हम फौरन देवताओं से प्रार्थना करें, आप अपने आप को सब बदलो और अपने आप को सब प्रतिज्ञा करो कि हम इंसान आदमी बन जाएंगे, हम बुरे काम को छोड़ेंगे और अच्छे काम को करेंगे, तो देवता तो आज भी तैयार है। वो ये तो नहीं कहते कि मैं तैयार नहीं हूं तो आपकी तरफ से फौरन प्रार्थना कर दू। वैसे तो मैंने कहा ही है कि मैं प्रार्थना करता ही रहता हूं कि आप उतनी सजा दीजिए जितनी बर्दाश्त हो, और जितने में अकल आ जाए, बुद्धि जग जाए, धीरे 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 सजा दीजिए जिसमें आदमी बदल जाए। तो ये तो प्रार्थना करता ही रहता हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप सब प्रेमी जन महात्माओं का विश्वास करो, महात्मा कभी किसी को धोखा नहीं देते, और संसार में मानव के लिए वही काम करते हैं जो सबको सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। तो मानव शरीर के लिए लाभकारी और आत्माओं के लिए लाभकारी, और महात्माओं की बात को अगर भारत ने, भारत धर्म भूमि के रहने वाले इंसान आदमियों ने मान लिया होता, तो आज हम लोग कुछ से कुछ हो गए होते, और जो आप इन 30 सालों से तमाम जोड़े चोरी लगे थी और खुराफात मारपीट हिंसा कतल जो सुनते चले आए, मैं तो ऐसा समझता हूं कि आपने महात्माओं की बात को मान लिया होता तो अभी तक ये सब चीजें खत्म हो गई होती। चलो आप मान कर देख लो, थोड़े दिनों में ये सब चीजें खत्म हो जाए, क्योंकि जो सब चीजें सबके पास हो जाएगी, क्यों देर डालेगा, क्यों देरी करेगा, क्यों प्रगति करेगा, क्योंकि सबके पास सब चीजें हो गई, फिर जरूरत उसको क्या है, फिर तो उसकी कांता ये होगी कि अपनी चीजों को लेकर के हो हम जब प्राप्त करें। अभी तो वो पेट के लिए काम करता है, बच्चों के लिए तो काम करेगा, जब के लिए तो जो जब के लिए काम करेगा वो अपना गमाएगा। इसलिए महात्माओं की बात को मान, जो करें उसको सुने और उसी का अमल करें। ये दुनियादार इनकी बात पर विश्वास कभी मत करो। तो मैं थोड़ा सत्संग आपको सुनाऊ, उसको थोड़ा सुन, वो लोग पंडालों में भरे हुए हैं, सब सुनाई दे रहा सबको, यहाँ से 4 पल्लांग की दूरी पर आराम से सुनाई दे रहा, सब बैठ करके अच्छी तरह से सुन रहे। ऐसा मालूम होता है कि आवाज उनके कानों में से ही निकल रही। अब की बार इतना साफ सुनाई दे रहा सबको कि कोई भी कहीं बैठा और खा रहे, जो कुछ भी सत्संग का कार्यक्रम हो रहा सब सुनाई दे रहा। बोलो वहाँ के जवैया फिर नारे कहते बापू, क्या भाई ऐसी बात ना हो, तुम मृतपुर में बहुत दिनों से रहती हो, यहाँ जलंती मरती हो, चौरासी लड़कों में जाती हो, कितने दिन और कल बीत गए, अभी तक तुम्हारा निपटारा छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन मैं तुम्हें वहां का पता बताता हूँ कि जो लोग वहां से वहां पहुंच गए लौट करके कभी नहीं आए, मीरा गए लौट के नहीं आई, कभी गए लौट के नहीं आए, तुलसीदास जी गए लौट के नहीं है, रविदास जी गए लौट के नहीं, और भी उनके भक्त जो गए लौट के नहीं आए, तो वहां के जो भैया फिर न पावरे फिर लौट करके नहीं आते। एक बार मेरे शरीर से आप पहुंचाओ तो फिर नहीं आओगे,
फिर तो अपने घर में सो जाओ, क्योंकि ये तो घर आपका है, ये तो परदेश है। कैसोली देश कैसा तेरा सुंदर पवित्र निर्मल आनंद का सुख का सागर देश है। वहां कोई कभी नाम मात्र को भी नहीं है। जो जो उस देश में अपने घर में टूट गए फिर कभी लौट करके नहीं आए। तुम्हें तो ये काम करना था कि अपने घर की तलाश कर खोज, मेरा घर कहां, मैं कहां से आया, किस रास्ते से आया, कहां जाऊंगा, ये दो चीजें तो आपको पता लगानी थी, कहां से आया कहां जाऊंगा। अभी तो तुम आ गए मुझे शरीर में, पता ही नहीं कहां जाना, ये तो पूछना था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। तो कोई महात्मा आपको बताते कि तुम ये हो, इस रास्ते से आए हो, इधर जाओगे तो अब तुमको क्या करना है, ये कर लो, ये तो तुम्हारा घर नहीं है, घर तो कहीं और है, वो सुख का है, आनंद का है, प्रेम का है, वहां जो जाता है लौट के कभी आता नहीं, तुम कहां यहां फंसे पड़े। प्रेम नगर के बाजार में हीरा मोती लाल रखाए, कहो बाजार कैसा है, वो प्रेम का नगर है, प्रेम से बरसता है, जैसे सारे देखते हैं तो प्रेम बरसता रहता है, हमेशा हर क्षण मुद्राधार बारिश होती रहती है प्रेम की। कहते हैं ऐसा प्रेम का नगर तुम्हारा घर, जिसको तुमने छोड़ दिया और इंद्रियों के जाल में आकर के फंस गए और मन तुम्हारा ब्रज में आकर के आके उलझ गया, इंद्रियों के दरवाजों को गैर करके चढ़े, ये गंदे को चढ़े रख लेता है, तो बताओ तुम्हें क्या खबर पड़ेगी कि मेरा घर कौन। वो तो प्रेम नगर का समुद्र है, वहां तो वर्षा होती रहती है, वहां तो आलाज प्रेम सब हुए जीवात्माएं लेती रहती है, वहां रहने वाली यहां क्यों आएंगी।